यार आप लोगों के मुझे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि हमें रिव्यू करना चाहिए बोट रॉकर्स 205 प्रो नेकबैंड को। मैंने इसको परचेज कर लिया, इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपये और मैं इसको अच्छे से बिल्कुल यूज कर चुका हूँ, काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, 2-3 दिन लगभग हो गए मेरे पास आ चुके थे ये। और अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का तो एक एक आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, आपको पता ही है हम प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस एंड तक पहुंचते पहुंचते हम डिसाइड करेंगे कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। So hope you like this one and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. So, यहाँ पे आपको बोट रॉकर्स 205 प्रो नेकबैंड का ऐसा आपको बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिसेंट पैकेजिंग मिलने वाली है, बहुत ज्यादा प्रीमियम बॉक्स नहीं मिलने वाला है। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, बोट का ब्राउशर और यूजर मैनुअल। साथ ही में आपको यहाँ पे एक छोटा सा आई एम ए बोट हेड का स्टिकर मिल जाएगा। एक्स्ट्रा आपको ईयर टिप्स मिल जाएंगे, अपने कानों के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक टाइप सी का चार्जिंग केबल मिल जाएगा टू चार्ज योर नेकबैंड। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द नेकबैंड यू विल बी गेटिंग। यहाँ पे आपको बहुत ही बिल्कुल पतला सा प्रॉपर आपको नेकबैंड मिल जाएगा, सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है, इसको आराम से फ्लेक्सिबल तरीके से तो यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड अगर हम इस साइड पे देखेंगे यहाँ पे आपको सिंपली बोट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, कोई ऐसे बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है। एंड ये जो प्लास्टिक बिल्ड है आपको अच्छी मिलेगी, बहुत ज्यादा प्रीमियम प्लास्टिक क्वालिटी यहाँ पे यूज नहीं की गई है। एंड इस साइड पे आपको काफी मल्टीफंक्शन बटन मिलने वाले हैं, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। साइड में आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा टू चार्ज योर नेकबैंड और नीचे आपको बिल्कुल पतली सी यहाँ पे वायर्स मिल जाएंगी नेकबैंड की। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रॉपर मेटलिक बड्स, बड्स आपको बिल्कुल छोटे से अच्छा लुक एंड फील प्रोवाइड करें, प्रॉपर आपको मेटलिक बड्स मिलने वाले हैं। दोनों में ही बोट के यहाँ पे लोगो आपको मिल जाएगा। एंड इसमें आपको मैग्नेटिक लॉक मिलने वाला है, ऐसे कोई फंक्शन की तरह काम नहीं करता, सिंपली आपको प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिल जाएंगे फॉर सिक्योर फिट। एंड अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको प्लेस करेंगे एंड प्रॉपर तरीके से अगर आप ईयरकफ्स यूज करेंगे अपने कानों के हिसाब से तो बिल्कुल छोटे से आपको बड्स मिलने वाले हैं, कानों में बिल्कुल सही तरीके से पैक होते हैं, लाइट वेट नेकबैंड है। अगर आप वर्कआउट्स भी करते हैं, रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, मैंने काफी कोशिश करी कानों से बिल्कुल ये गिरे नहीं, लाइट वेट नेकबैंड भी है और बिल्कुल आपको सिक्योर फिट भी प्रोवाइड कर देंगे ये। स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.2, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, डेडिकेटेड बीस्ट मोड मिलेगा फॉर बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस, ENX टेक्नोलॉजी मिलेगी फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड इसमें आपको अप्रॉक्सिमेटली 30 hours तक का प्ले टाइम मिल सकता है अगर आप म्यूजिक को 50-60% वॉल्यूम में सुनेंगे तो। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट के चार्जिंग में आपको अप्रॉक्सिमेटली 12 hours का प्ले टाइम मिल सकता है विद दिस वायरलेस नेकबैंड। यार इसमें आपको फीचर्स बिल्कुल बढ़िया मिलने वाले हैं, इसमें आपको भर भर के फीचर्स मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा लगा कि हाँ बिल्ड क्वालिटी से हल्का फुल्का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जो प्लास्टिक यहाँ पे बिल्ड दिया गया है थोड़ा और प्रीमियम ले देखते ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन फिर भी इसमें आपको अच्छी बिल्ड मिल जाएगी ओवरऑल, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बात करेंगे इसके बटन कंट्रोल्स की, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं, एक ओवरव्यू ले लीजिए। जो मेन पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया, अगर आप उसको सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, उसी को सिंगल प्रेस करने से म्यूजिक पॉज होगा। प्लस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, माइनस को सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। प्लस को लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 seconds के लिए तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, माइनस को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। एंड जो मेन बटन दिया गया है मल्टीफंक्शन बटन, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 seconds के लिए जो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, हिसाब से आप कमांड्स दे सकते हैं। एंड उसी बटन को अगर आप 3 बार ट्रिपल प्रेस करेंगे तो जो लास्ट नंबर है वो आपका रिडायल हो जाएगा। एंड अगर आपको किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करना है, जो मेन बटन दिया गया है अगर आप उसको सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए उसी को सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड किसी का कॉल आ रहा है आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, जो उसी बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 seconds के लिए कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। एंड ऊपर आप देख सकते हैं आपको एक छोटा सा अलग से बटन दिया गया है, अगर आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो इसमें आपको गेमिंग मोड मिलने वाला है, गेम मोड में एंटर कर जाएगा, फिर से सिंगल प्रेस करेंगे तो ये म्यूजिक मोड में एंटर कर जाएगा। अब हम करेंगे बीस्ट मोड ऑन करके सर गेमिंग टेस्ट, फिर हम डिसाइड करेंगे इससे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है। ब्रांड ने क्लेम किया आपको अप्रॉक्सीमेटली 65 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी मिलने वाली, वो मेरे को बिल्कुल जस्टिफाइड लगी, मुझे ऐसा कोई ज्यादा लैग फील नहीं हो रहा था बिल्कुल। अगर आपको एक अच्छी गेमिंग नेकबैंड चाहिए, जो माइक्रोफोन दिया गया है सही तरीके से वर्क करता है, अगर आप गेमिंग के टाइम अपने फ्रेंड्स को मैसेज भी कन्वे करते हैं सामने वाला क्लियरली सुन भी पाएगा, लेफ्ट राइट का सेपरेशन आपको क्लियरली पता चलेगा, एनिमीज कहां से आ रही है, फुटस्टेप आपको क्लियरली पता चल जाएंगे, बढ़िया आपको एडिकेट लाउडनेस मिल जाएगी इसमें, और इसमें जो लेटेंसी बिल्कुल आपको लो मिलने वाली डेफिनेटली। अगर आप एक गेमिंग नेकबैंड सर्च कर रहे हैं इसको डेफिनेटली ऑप्शन में रख सकते हैं बोट ब्रांड की तरफ से।
अब हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। लेकिन आपको यार वीडियो ऐसा कंटेंट देखना पसंद है, लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, और चैनल पर नए हैं तो लगे यार सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थैंक यू। इसमें आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, लाउडनेस आपको इसमें अच्छी मिल जाएगी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लाउडनेस भी नहीं दी गई है। हालांकि बोट के जो कुछ नेकबैंड है जिसमें आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, लाउडनेस आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है, फुल वॉल्यूम पर आप अवॉइड कर सकते हैं सुनना, लेकिन पर्टिकुलरली इसमें आपको अच्छी एडिकेट लाउडनेस मिल जाएगी, फुल वॉल्यूम पर आप डेफिनेटली सुन पाएंगे बिना किसी डिस्टॉर्शन के। आपको जो क्लैरिटी है वोकल्स को लेकर आपको सही मिलने वाली है, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं लगी, प्रॉपर आपको ट्रेवल्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको एक अच्छे नेकबैंड चाहिए म्यूजिक आउटपुट को लेकर, इसको आप डेफिनेटली अच्छी एडिकेट लाउडनेस ऑप्शन में रख सकते हैं। इसके बेस की बात करेंगे, बेस इसमें आपको अच्छा पंचीनेस मिल जाएगी, बहुत ज्यादा सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप प्रॉपरली बेस लवर है तो पंचीनेस आपको चाहिए। बेस पार्ट में जब आएंगे बेस इफेक्ट्स आपको लगेगा हाँ प्रॉपर आपको पंचीनेस मिल रही है, इसमें आपको अच्छी पंचीनेस और बेस इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। बात करेंगे कॉलिंग की, मैंने एक फ्रेंड से बात की थी आउटर कंडीशन में, रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है। हाय सिद्धांत, कैसे हो भाई? बढ़िया भैया, मैं बढ़िया यार। अभी ना बोट की तरफ से बोट रॉकर्स 205 प्रो नेक बैंड से मैं बातचीत कर रहा हूँ, अभी मार्केट में आया थोड़े दिन पहले ही, मैं आउटर कंडीशन में हूँ। कैसी आ रही है मेरी आवाज आपको? क्लियर आ रही है आवाज को? क्लियर है बिल्कुल, बैकग्राउंड में आप हवा की आवाज, पीछे एक्टिविटीज हो रही है, टोकाई पिटाई, उनकी आवाज आ रही है? थोड़ी बहुत, बहुत कम आवाज आ रही है उनकी। अच्छा, बैकग्राउंड की एक्टिविटीज आपको कितनी पता चल रही है परसेंटेज? अगर मेरी आवाज से फोकस बोले तो कितना परसेंटेज फोकस है आपकी? 80% फोकस है, बाकी 20% नॉइज वगैरह आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओवरऑल कॉलिंग कैसी बोल सकते हैं इसकी? कॉलिंग बढ़िया है, लाउडनेस भी अच्छी है। ओके ओके सिद्धांत, थैंक यू। यार इसमें वो कॉलिंग भी बिल्कुल बढ़िया मिलने वाली है, इंडोर कंडीशन में कोई दिक्कत फेस नहीं होगी, आउटडोर कंडीशन में सामने वाला बिल्कुल आपको अच्छे से 80% तक फोकस ही सुन पाएगा, हल्की फुल्की उसको 20% के आसपास बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, लेकिन इसका जो ENX टेक्नोलॉजी दिया गया परफेक्ट तरीके से वर्क करता है, कॉलिंग पार्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। दिस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस नेक बैंड, अप्रॉक्सिमेटली 1200-1300 रुपए आप बोल सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, ओवरऑल अगर आपको एक पर्पस के लिए नेक बैंड चाहिए, आपको म्यूजिक अच्छी चाहिए, पंचीनेस चाहिए, बेस पार्ट में बढ़िया, आपको कॉलिंग चाहिए परफेक्ट, आपको गेमिंग चाहिए, बस जो इसका बिल्ड क्वालिटी दिया गया थोड़ा बहुत जहां पर प्लास्टिक क्वालिटी और बेटरमेंट देते तो मेरे हिसाब से बेटर रहता, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इसका आउटपुट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इनको ग्रैब कर सकते हैं, एंड कुछ भी आपको अभी भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बोट रॉकर्स 205 प्रो नेक बैंड। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।